नमस्ते सलाम वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको हमारा ख़ानदानी खेत दिखाने के लिए। जी हाँ, ख़ानदानी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो यहाँ नहीं आया और उसके पास यहाँ की कोई मेमोरीज ना हो। हम सब कज़िन्स हमारे दादाबा, दादी माँ, चचब्बा, फुप्पू, सलीम भाई और मेरे प्यारे पापा के साथ यहाँ आया करते थे। हम सब कज़िन्स की बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं एंड ये खेत इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। एक बात बताऊँ, जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती या कोई भी पिकनिक का प्लान बनता तो बस सब खेत जाने का ही प्रोग्राम बनाते थे। बहुत मज़ा आता और खूब मस्तियाँ करते। ये खेत मेरे प्यारे चचा का है जो आपको आगे वीडियो में दिखेंगे, लेकिन ये खेत है पूरे ख़ानदान का। ऑलवेज ओपन फॉर ऑल माशाल्लाह। तो चलिए आज मैं आपको खेत घुमाता हूँ और हमारे इस खेत में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे खेत के कुएं से। ये कुआं आप देख रहे हैं, ये काफ़ी गहरा कुआं है और ये इसकी बाउंड्री अभी टूट गई है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ करता था एक टाइम पे। अब तो काफ़ी यहाँ पे पानी भी बहुत नीचे चला गया है इसका, लेकिन फिर भी अभी भी पानी है इस खेत में और इस कुएं में भी पानी अच्छा खासा रहता है। तो ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आकर सब बैठ जाया करते थे। जो पूरी बाउंड्री बनी है, कई बार उसके आजू बाजू सब बैठते थे। यहाँ से बैठ के कभी एयरगन से निशाने लगाना, चचब्बा के साथ बैठ के हम लोग अक्सर यही किया करते थे, या फिर पिट्टू खेलना, छुपन छुपाई खेलना। इस घर में काफ़ी मेमोरीज हैं सबकी। तो और ये जो दूर तक आपको खेत दिख रहा है, वहाँ ग्रीनरी जितनी भी है वहाँ तक उसकी बाउंड्री है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे से इस घर में लेके जाता हूँ जिसमें बहुत मेमोरीज हम लोगों की हैं। ये देखिए, अब तो खैर पूरा टूट गया है, ऊपर से भी बाउंड्री भी टूट गई है। वो ऊपर प्यारे चचा हैं जो छत पे देखने गए थे क्या हो रहा है अभी यहाँ पे कैसा है। तो ये देखिए, सबसे पहले एंटर होते से ये कमरा होता था। इस कमरे में जब आप जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे। अभी तो इसकी फ्लोरिंग भी बिल्कुल सब ख़राब हो गई है। ये यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है जिसमें किचन एक कोने में बना हुआ है। वो प्याज अच्छा उतर रहे हैं वहाँ सीढ़ियों से। अभी मैं आपको ऊपर लेकर जाऊँगा यहाँ से। ये देखिए, ये रहा किचन। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रैक्स लगे हुए हैं और ये यहाँ पे एक छोटा सा रूम, स्टोर रूम जैसा दिया हुआ था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से ऊपर। तो अभी तो इसके बहुत हालत ख़राब है इस बिल्डिंग की, लेकिन फिर भी मैं आपको घुमाता हूँ सबको। जो लोग मेरे कज़िन्स भी देख रहे होंगे बहुत इन्जॉय करेंगे इस टाइम पे। ये देखिए, ये पूरी फसल लगी हुई है अभी खेत में। यहाँ से ऊपर जाते हैं अपन और देखते हैं। मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, वहाँ से पूरा का पूरा खेत दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे ये देखिए, ये आ गई खदीजा। सबसे पहले बहुत मस्ती करती है ये, और वो आयशा दौड़ती हुई जा रही है, छोटी सी बेबी। ये भी बहुत मस्ती करती है, वो नाया चढ़ी हुई है, इसे एडवेंचर्स का बहुत शौक है। ये पूरा खेत जो देख रहे हैं वहाँ तक, ये सब हम लोगों का ही है। और ये ऊपर से बीच में चबूतरे का निशान दिखेगा आपको। ये अलमाजवा जी और वर्धा खड़े हुए हैं यहाँ पे, बातें कर रहे थे ऊपर और मैंने इनको कैप्चर कर लिया। तो ये देखिए, नीचे गाड़ी खड़ी है और ये हमारा चबूतरा यहाँ बना हुआ है। ये वर्धा ने अभी कमेंट जो करा बिल्कुल सही कहा, बिकॉज यहाँ पर एक टाइम पे एक ज़माना ऐसा था जो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ये घर बना हुआ था। सब लोग आते थे, खेलते थे, मस्तियाँ करते थे। अब तो एक खंडर की तरह हो गया है,
लेकिन फिर भी हम लोग हमारी मेमोरीज रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें याद आ गई और बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। तो मैं भी आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था कि हम लोगों का ये खेत बड़ा प्यारा सा और दिल के बहुत करीब हम सब के। तो ये देखिए, यहाँ से ही पूरी बाउंड्री वो दूर तक है, यहाँ तक नहीं है, वो और भी आगे तक है पूरा खेत। ये ग्रीन पूरी ये फसल लगी हुई है वहाँ तक की है, बहुत बड़ा खेत है, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे यहाँ पे। यहाँ से ये देखिए पूरी छत भी टूट गई है, बाउंड्री वॉल जो ऊपर की होती है यहाँ तक छत हुआ करती थी, तो ये भी पूरी गिर गई है। और ये दिलास गया था वहाँ से रोटी लेने के लिए, पास ही में ढाबा है वहाँ से, तो ये दिलास वापस आ गया है। दिलास जो है फैज अच्छा का बेटा और मेरा बहुत ही अच्छा कज़न। ये वर्दा ये लोग बैठे हैं यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। अब सब लोग नीचे जाते हैं तो खाना लगने वाला है, तो शायद इसीलिए सब बुला रहे हैं। अब हम लोग सब नीचे जाएंगे यहाँ से। ये देखिए इस घर की है ना, यहाँ पे ये जालियाँ भी टूट गई हैं। वो दिलहास बैठा हुआ है वहाँ पर अपनी कार में, कार के पास खड़ा हुआ है, और अफशीन घूम रही है यहाँ पे बीच में, ये वर्दा की बेटी है। और ये देखिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, ये आम के पेड़ लगे हुए हैं आजू बाजू चबूतरे के, और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे कई बार आम भी ये छत के ऊपर खड़े होकर हम लोग तोड़ा करते थे, कभी गुलेल से तोड़ा करते थे नीचे खड़े होकर, यहाँ से शॉट मारते थे, क्रिकेट होता था यहाँ पर इस चबूतरे के ऊपर, बहुत मज़ा आता था। सब लोग फील्डिंग कर रहे हैं, कोई बैटिंग बॉलिंग, बहुत मज़ा आता था। सब लोग चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत मज़ा आता था। अब देखिए खाना लग गया है, हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं सब लोग, तो खाना खा के फिर हम लोग थोड़ा आजू बाजू से कुछ चीज़ें लेने जाएंगे। और यहाँ पे मैं घूम रहा था वहाँ पीछे, आप देख सकते हैं मुझे कि खाना लगा कि नहीं, मैं चेक कर रहा था, सब लोग खाना लगा रहे हैं, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। और घूमते घूमते मुझे दिखा दिलहाज जो गाड़ी के पास बैठा हुआ था, तो मैं सोचा वहाँ जाता हूँ उसको परेशान करता हूँ, तो मैं दिलहाज के पास पहुँच गया और दिलहाज यहाँ बैठा हुआ था। ये देखिए अफशीन भी खड़ी हुई है यहाँ पर, तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि शॉट कैसे ले रहा हूँ मैं, दिलहाज को बता रहा था मैं। गाइज ये देखिए अदनान यहाँ बैठा है गाड़ी में, और मैं उसको यहाँ परेशान करने आ गया था, उसको ऐसे कमेंट्स मार रहा था, तो मेरी कमेंट्स से परेशान होके हंस रहा था। ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिलहाज यहाँ बैठ रहा है कार में, जो सनशेड होता है उसके ऊपर उसने मोबाइल को अटका लिया है, और अदनान जो पीछे उसके पीछे बैठा है ना, वो पूछ रहा है आप इतने आराम से लेट कर देख कैसे रहे हो? मैंने यहाँ फंसा दिया है, जो मोबाइल मूवी देख रहा हूँ, तो कहाँ अदना बोले आइडिया कहाँ से आ चुका है, मैंने कार में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो सब आ जाता है। ये देखिए गाइस आम के पेड़ जो कि चबूतरा के आजू बाजू सब जगह लगे हुए, और इसकी जो टहनियाँ हैं ये घर के छत की तरफ जाया करती थी, तो हम लोग क्या करते थे छत के ऊपर चढ़ जाते थे और वहीं से बैठ के बहुत सारे आम तोड़ लिया करते थे। ये देखिए यहाँ खाना लग गया है, ये वर्दा ग्रीन स्वेटर में वो साइमा बैठी हुई है नीचे, और प्याज अच्छा ने गुलेल ले लिए, और ये प्याज अच्छी कुकर रख रही हैं उधर, खाना सब रख रही हैं एक साइड पे, उधर पीछे पलंग पे मामा बैठी हुई हैं,
अब हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है कि हम लोग कुछ सब्जियां तोड़ेंगे जो कि फ्रेश होंगी। ये बीच में मेरी मम्मा बैठी हुई हैं। और सब लोग प्लान कर रहे हैं कि चलो कुछ सब्जियां तोड़ते हैं और अब हम लोग थोड़ी देर में बस वहां पे निकलेंगे। सब गोभी है, ये सब गोभी है, ये वर्धा की थ्योरी है। और ये सारी जो गोभियां हैं इनमें से जिसमें आपको सफेद सफेद गोभी दिखे तो आप उठा लो। कहाँ है तो पर ऊपर से दिखेगी थोड़ी। और हमारे जूते खराब नहीं होंगे सही है। ये देखिए टमाटर की गर्दन काटते हुए टमाटर को ये पूरी फैमिली है टमाटर की, मम्मा बाबा, जॉइंट फैमिली है। गौर से देखिए ये लड़की, ये हमारे यहाँ गोभी तोड़ दी है और इनसे टूट नहीं रही आज। अबे ऊपर से काट लेते हैं यूं नीचे से, तो सारे पत्तों के साथ। हाँ तो पूरा पत्ता ही होता है। फोटो आपका वीडियो बन रहा है, सबूत लिया जा रहा है। खड़े हो ना मोर का पंख। अब देखो सफाई करते हुए वरना कहीं सफाई करते हैं। पप्पी मेरे पेट में आएगा। और ये बहुत प्यार से काट रही है वरना बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो तो एक झटके में आ जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा प्रेशर डाल। Yes, yes, yes. हेलो दुपट्टा किस लिए होता है? हाथ में भरे जा रहे हो? लाल कलर के नहीं है, मैच कर जाते हैं इनके ड्रेस। यस अलमाजा जी तो खुद रेड है इसलिए ग्रीन मिलते हैं उनसे। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं वापस। हम लोगों ने सब्जियां भी तोड़ी वहाँ पे, कुछ गोभी थी और कुछ टमाटर थे जो आप लोगों ने देखे, वो हम लोगों ने सब ने तोड़ा। और अब हम लोग वापस आ रहे हैं। ये सब लोग बड़े बैठे हुए हैं, प्याज चाचा, मम्मी और प्याज चाची, जलाज नहीं निकला, जलाज तो इनकार में ही था। तो हम लोग यहाँ से तोड़ के अब सब बच्चे सब देखिए सब उठा के वापस आ रहे हैं और अब सब लोग दिखाने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या क्या तोड़ा। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो अभी आप देखिएगा क्या कहते हैं ये लोग। ये देखो ये लोग गोभियां तोड़ के ला रहे हैं।
खदीजा आपने ये तोड़ा, वेरी गुड। आयशा ने ये तोड़ा है, दो दो सब तोड़ ताड़ करके आ रहे हैं। बताओ आयशा, वेरी गुड वेरी गुड। कॉलीफ्लावर, दिलास का थिएटर चल रहा है। ये देखो कहाँ है, ये रहा। वाह क्या जुगाड़ दिलास। ये देखो अदनान, गौर से देखिए इस आदमी को, खाना खाने के बाद जब से पड़ा हुआ है और सिर्फ इसी बहाने से कि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ और मूवी पे मूवी निपटाया जा रहा है। उधर भी फोकस कर लो, देखो क्या सिनेमा बनाया है। और ये देखिए ये बॉस बैठे हैं, बॉस का 3D सिनेमा। पूरी मूवी का होमवर्क मिला है जो कि हफ्ते में खत्म करनी होने आज खत्म करनी है, आज खत्म करना है। और आप जुगाड़ देखिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कान में लगे हुए। तो गाइस अब जाने का बस टाइम हो गया है और अब हम लोग सब फैमिली पिक लेने के लिए खड़े हैं। और आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।